एवरीवन, देखिए आज इस स्वेटर का मैं आपके लिए मेज़रमेंट लेकर आई हूँ और इस तरीके से इसका लुक आएगा। और ये मैंने लार्ज साइज़ में बनाया है, इसकी फिटिंग एकदम सही आई है। जिनके लिए मैंने बनाया है लार्ज साइज़ में है और इसका पूरा डिटेल मेज़रमेंट मैं आगे आपको देने वाली हूँ। तो बैक साइड से इसका लुक इस तरीके से आएगा, ये देखिए। और बाजू की फिटिंग भी एकदम अच्छी आई है इसकी, पूरा स्वेटर जो बन के है वो इस तरीके से दिखेगा। वी नेक वाला है, तो आगे देखते हैं इसका मेज़रमेंट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए आज इस स्वेटर का मैं आपके लिए पूरा मेज़रमेंट यानी कि माप, फंदों का माप लेकर आई हूँ। और कई व्यूअर्स पूछते हैं कि आप चेस्ट और वेस्ट के हिसाब से बताइए, जैसे कि किसकी चेस्ट कितनी है और किसकी वेस्ट कितनी है, उस हिसाब से आप माप बताइए। तो देखिए जो स्वेटर होते हैं उनमें अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो परफेक्ट हमेशा नहीं बनता है, इसलिए इसमें फंदों का मेज़रमेंट लिया जाता है कि किस साइज़ पे कितने फंदे लगेंगे। तो मैंने वो भी बताया हुआ है कि आप जैसे पूरी किसी की चेस्ट और वेस्ट को नापेंगे सेंटीमीटर में, जैसे कि आपने लिया है इंच टेप लेना है आपने और उसको नापना है, क्योंकि अगर आपने परफेक्ट बनाना है तो इस हिसाब से वो बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप यहाँ से फंदे डालते हैं, बॉर्डर से फंदे डालते हैं, तो ये तो वेस्ट का साइज़ हो गया, या आपका जहाँ से आप बना रहे हैं वहाँ से ये नाप होगा। तो ये नीचे का माप हो गया, जहाँ से भी आप इसको शुरू कर रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग स्वेटर बना रहे हैं चाहे शॉर्ट बना रहे हैं। तो ऊपर जब आप करेंगे तो उसमें आपको फंदे घटाने और बढ़ाने पड़ेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आर्म होल की घटाई हो जाती है, तो यहाँ पे जो चेस्ट है उसका साइज़ यहाँ पे परफेक्ट आता है। तो आप पूछते हैं कि कौन सा साइज़ है, तो जैसे मीडियम लार्ज इस तरीके से मैंने बताया हुआ है, और प्लस फंदे आप सेंटीमीटर के हिसाब से कैसे लेंगे, किसकी चेस्ट कितनी है उस हिसाब से। अब इंच में आप उसको अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से जैसे आपने सेंटीमीटर में ही लेना है, क्योंकि सेंटीमीटर में ज़्यादा डिटेलिंग में आपका नाप आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में जब आप नापेंगे तो फिर आप इंच में उसको अपने आप ही कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ और आप इसको लिख लीजिए। इसमें जो मैंने वूल, जो ऊन मैंने इसमें लगाई है, वो है वर्धमान की रोज़मेरी के नाम से आती है और वो गोले में आती है। और जो टोटल इसमें ऊन यूज़ हुई है वो 550 ग्राम इसमें लगी है, 550 ग्राम से भी थोड़ा कम ही लगी है, क्योंकि एक गोला जो है वो पूरा बच गया था, यानी कि उसमें से थोड़ा सा ही यूज़ हुआ है, 500 ग्राम इसमें पूरा यूज़ हुआ है। तो आप 600 ग्राम हमेशा लेके रखिए जब भी आपको जेंट्स का बनाना है। और वर्धमान की ऊन जो होती है वो हल्की होती है और बहुत लंबा उसमें लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो 600 ग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके अलावा अगर आपने किसी बड़े साइज़ में या फिर आपका कोई डिज़ाइन ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा वूल लगती है, उसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेके रखना है। तो स्मॉल और लार्ज साइज़ के लिए आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ के लिए 600 ग्राम लीजिए किसी भी जेंट्स का, लेडीज़ का, और उसके अलावा कोई साइज़ है तो 650 ग्राम लीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, आपको ऊन का वो मिलता नहीं है, सेम कलर नहीं मिलेगा आपको, मैच नहीं होगा वो, फिर आपका प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। तो इसमें मैंने ऊन तो मैंने बता दी, सलाइयाँ मैं बता रही हूँ कि 11 नंबर से मैंने बॉर्डर बनाया है और 10 नंबर से मैंने ऊपर का बनाया है। अब पहले मैंने सोचा ये ऊन थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटी आ रही थी, उसके बाद ये पतली आने लग गई बीच बीच में, तो फिर मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई से ऊपर बनाया, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाता। और ये डिज़ाइन डाला है, सब मेरे चैनल पर हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो तरीका मैंने बताया है उससे, सारे इसके गले से लेके बाजू का सब वीडियो मेरे चैनल पर है, आपको सिर्फ चैनल को देखना है कहाँ से निकलेगा वीडियो। और बॉर्डर पे तो नीचे मैंने इसमें बॉर्डर पे 106 फंदे डाले हैं, 106 फंदे बना के मैंने, देखिए बॉर्डर की लंबाई मैं आपको इसमें नाप के बता दूंगी। ये देखिए 2 इंच का बॉर्डर है, 2 इंच का बॉर्डर बनाया, आप 3 इंच भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको ऊपर 10 फंदे इसमें बढ़ाए हैं, टोटल 116 हो गए थे। उसके बाद इसको बनाती भी गई हूँ डिज़ाइन के साथ, और मैं आपको इसकी लंबाई भी बता देती हूँ आर्म होल तक। वैसे तो मैंने 18 से 19 इंच रखी थी, देखिए 19 इंच इसकी लंबाई है आर्म होल तक। उसके बाद आर्म होल की कटिंग की है 4-3-2-1, 4-3-2-1 आर्म होल की कटिंग है, दोनों साइड से, फ्रंट और बैक एक जैसा बनेगा इसका, आप ध्यान रखिएगा। बस बैक साइड में मैंने प्लेन रखा है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो नीचे तो सेम फंदे हैं 106, उसके बाद मैंने इसमें 110 फंदे किए हैं ऊपर।
आगे 116 है, पीछे 110 है। अब उसके बाद आर्म होल की कटिंग सेम की है, उसके बाद यहाँ पे गले की कटिंग हुई है जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। इसके ऊपर स्क्रीन पे भी सारे वीडियोस के टाइटल चल रहे होंगे, आपको उसको क्लिक करना है और उस वीडियो तक आप पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने इसको 10 इंच बनाया है आर्म होल कटिंग करने के बाद विद नेक कटिंग, मतलब गले की कटिंग, वी गले की कटिंग भी हुई है। और शोल्डर पर 26-26 फंदे हैं, यहाँ पर भी 26, यहाँ पर भी 26, दोनों साइड 26-26 फंदे छोड़ के बाकी सारे फंदे गले के लिए घटे हुए हैं। उसके बाद बैक साइड का सेम बनेगा और बैक साइड की कटिंग हमने नहीं करनी है, शोल्डर के दोनों साइड जोड़ के उसके बाद बीच के जो 42 फंदे बचे थे वो मैंने यहाँ पे गले के लिए छोड़ दिए थे अलग सिलाई पे, वो भी वीडियो बना हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसके बाजू की, बाजू पे 52 फंदे डाले हैं, 11 नंबर सिलाई से बनाया है। उसके बाद 4 फंदे बढ़ाए मैंने एक ही लाइन पे, यहाँ बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद एक लाइन में 4 फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद इसको मैंने हर छठवीं उल्टी सिलाई में मैंने दोनों साइड पे एक एक फंदा बढ़ाया है और यहाँ तक 110 फंदे जब हो गए थे और 110 फंदे और 21 इंच जब बन गया था तो मैंने यहाँ पे फिर आर्म होल की कटिंग की है और बाजू की शेप यहाँ पे दी है। तो 4-3 इस तरीके से मैंने पहले कटिंग की दोनों साइड से, फिर 2-2-2-2-2 इस तरीके से, और ऊपर जाके मैंने इसमें 50 फंदे बंद कर दिए। 50 फंदे तक 2-2 घटाती भी गई हूँ, तब मेरी बाजू की लंबाई 23 इंच हो गई थी तो मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपने भी करना है, दोनों बाजू एक जैसे बनेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आता है। और इसकी जो टोटल लंबाई है, तो टोटल लंबाई जो है इसकी 29 इंचेस है, नीचे से लेके और कंधे तक 29 इंचेस है। सब मैंने बता दिया आपको, 10 नंबर की सिलाई है, 10 और 11 नंबर आपको चाहिए। और जो गले में फंदे उठाए हैं मैंने 75 और 75, और पीछे 44, क्योंकि 42 तो ऑलरेडी थे उसमें, 2 मैंने साइड्स पे उठाए हैं। तो ये भी मैंने बताया है, इसमें मैंने ये सुई से बंद होने वाला गला बनाया है, डबल बॉर्डर इसमें नेक बना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इसका जो मेज़रमेंट हो एकदम सही आया है, यानी कि जिनके लिए मैंने ये बनाया था उनका एकदम सही ये आता है। तो उनको जो शर्ट जो आती है वो लार्ज साइज़ की ही आती है, यानी कि 38 नंबर उनको आता है, 36 से 38 नंबर। तो मैं उसी हिसाब से नाप लेती हूँ कौन से नंबर की शर्ट आती है, तो उसका ये मेज़रमेंट है। बाकी सारी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, कितना किस में लेना है नाप वो आप देखिए और उससे अपना थोड़ा सा आप भी अपना कैलकुलेशन कीजिए और उससे आपको एकदम आइडिया आ जाएगा। तो फिर ये था इसका मेज़रमेंट। जैसे आप कोई भी ये वीडियो ऐसे मेरे चैनल का देख रहे हैं, कोई भी मेरा वीडियो, उसके बाद अगर आपको कोई और मेरे चैनल का वीडियो चाहिए, जैसे जिसमें आपको पूरी डिटेल चाहिए या कौन कोई और पार्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे मेरे चैनल के नाम पर ऐसे क्लिक करेंगे, इस तरीके से खुलेगा। अब आप वीडियोज़ पर जाएंगे, यहाँ पर वीडियोज़ का ऑप्शन है, देखिए वीडियोज़ पर क्लिक किया और जितने भी सारे वीडियोस हैं इस वाले स्वेटर से रिलेटेड या कोई भी, सारे वीडियोस आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे, इस तरीके से वो आपको शो हो जाएंगे सारे। तो आप ऐसे स्क्रॉल कर कर के देख सकते हैं आपको कौन सा वीडियो चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोई भी मेरे चैनल का वीडियो ढूंढ सकते हैं। कई व्यूवर्स को समझ में नहीं आता है जब मैं बताती हूँ मेरे चैनल पर है वीडियो, तो इस तरीके से जैसे आपने ये मेरा वीडियो खुला हुआ है जो आप देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपका खुला हुआ है, उसके बाद आपको कोई और वीडियो चाहिए जो आप चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए, ऐसे खुलेगा। उसके बाद आपने वीडियोस पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये ढूंढ सकते हैं। तो फिर बनाइए, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। और मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए वही तरीका यूज़ कीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।